एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी सब बढ़िया हैं और मिशो भी ठीक है। हेलो मिशो, गुड मॉर्निंग कर दो। और अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे और 5 बजे हम लोग आज निकल चुके हैं हर की पौड़ी हरिद्वार हरिद्वार दर्शन के लिए। और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मैं दिखाती हूँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, जो हमारे पुरोहित समाज के गुरुजी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं हरिद्वार में, तो वहाँ पे हैं 2-3 दिन, तो उनके दर्शन के लिए हम लोग आज जा रहे हैं तुषाराम जी। तो उनके दर्शन के लिए भी फैमिली हम लोग जा रहे हैं। देखो पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई है आज। हेलो, ये देखो नींद आ रही है सवेरे सवेरे। हम लोग निकल चुके हैं 4 बजे आज घर से। और ये हमारे बच्चे सोए, भाई कहाँ गई कुंज? सोई है कुंज, दिखाई नहीं दे रही कुंज, हो सोई है। बस दिखाते हैं, आज मौसम हो रखा है बढ़िया, दिखाती हूँ व्यू आपको रास्ते का, चले चलते हैं। और ये है मिशा और ये हमारे ड्राइवर साहब। आज देखिए एकदम वाइट वाइट फेस फेस लगा लो या ड्रेस लगा लो, फुल दिखाऊं मुच्छों वाले ड्राइवर बहुत ज्यादा। चल पड़े हम फ्लाईओवर पे, इंडस्ट्रियल एरिया। और सूरज निकलने वाला है अभी, सूरज निकलेगा ना काफी। हरिद्वार में बारिश होगी और मैं ना कल ही कह रही थी इनको छाता रखनी है हमने, और सवेरे हवड़ा दवड़ी में छाता बोल गया बेटा। क्या मौसम है भाई, आज तो बादल बड़े जबरदस्त है। ऐसे 3 दिन तक खराब रहेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि बारिश। कहाँ ऐसी बात? देर बोले ना, देर है। हाँ अच्छा। कितना बढ़िया है। देर बोले ना। तो क्या बादल है भाई? कल बारिश हो पाएगा? ये देखिए शीशे में बूंदे दौड़ रही है, देखो बारिश की बूंदे ऊपर दौड़ते हुए। क्या आज तो बारिश में पूरा होने वाला हमारा, तो पता नहीं क्या भाई। बारिश हो गई झमाझम और हम फंस चुके हैं आज बारिश में। अभी तो काफी बारिश हुई, अभी हल्की हल्की इधर हल्की है, पीछे काफी तेज बारिश मिली हमें। और आज का दिन पता नहीं, अभी तक बादल बड़े जबरदस्त दिखे थे और अब बारिश, पता नहीं आज कैसा मौसम रहेगा। और हम लग रहा है हरिद्वार यही नहा ले, गंगा स्नान यही होने वाला है।
क्या है ये? मानव पंजाबी ढाबा है। चलो भाई ढाबे में आ गए। अब यहाँ बारिश कम है लेकिन बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और हाईवे पे बना है ये ढाबा। चले देखते हैं अंदर क्या है यहाँ पे कुछ खाने पीने का। बच्चे कहाँ गए हमारे? हेलो गाइस, और हमारी टीम अब नाश्ता कर लिया और निकल रहे हैं यहाँ से। मौसम भी ठीक हो गया और बारिश की बूंदाबांदी भी बंद हो गई है और निकल रहे हैं। इनको आ गया गुस्सा, देखो गाड़ी ले जाने लग गए। कह रहे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ढाबे पे। ठीक है, हमने कहा चलो चलते हैं, चलो दिखाते हैं आगे का क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, बने रही ब्लॉग के साथ। हेलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार गंगा घाट पे और ये पुल से ऊपर चढ़ते हुए कीचड़ बहुत है यहाँ पे। अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये देखिए गंगा नदी यहाँ बह रही है और ये सामने है हमारे भवन, उधर जाना है हमने। ये देखिए इस तरीके से गंगा जी यहाँ पे बह रही हैं और साइडों में लगे हुए दुकानें। हेलो कुंज, कुंज भी हेलो कर रहा। मीशा रुक जा बेटा, मीशा भाग रही है आगे आगे। और ये हम चले, आज हमने जाना है राजस्थान वाले जो भवन है इनका वहाँ पे, इसलिए हम हैं अपने राजस्थानी ड्रेस में इस तरीके। ये देखिए मीशु, कुंज नहीं देखना, कुंज मम्मा। चलो भाई, गुस्सा आ गया। हेलो गाइस, हम लगे हैं लिफ्ट की लाइन में। बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा गर्मी। हेलो,
मुक्सा लोग कहाँ गए? पीछे आ रहे, दिख नहीं रहा हो। हेलो इशू, हेलो हेलो गाइस, ये मिशा, ये देखो हेलो करो मिशा। वाओ मिशा, हम कहाँ जा रहे? मनसा देवी जा रहे हैं क्या? मनसा देवी जा रहे हैं, मनसा देवी आ रहा नीचे वालों का। वाओ प्रकृति का आनंद लेते हुए और हम जा रहे हैं। मिशा इधर देखो बेटा, वाओ वाओ क्या नजारा है भाई, प्रकृति का आनंद लिफ्ट से लेते हुए। वापस भी ऐसे ही जाएंगे बेटा, कुंजू डर रही है। कुंजू को बाबा, कुंजू को पकड़ के रखो, गेट की तरफ हाथ मत लगाने देना। बस आ गई मनसा देवी, पैदल यात्रा भी है पर यहाँ भी। हेलो गाइस, और आ गए हम मनसा देवी के दर्शन करके, और यहाँ इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है कि हम ना खड़े होके थक गए, पसीने से लथपथ, बहुत ज्यादा गर्मी है। बीच बीच में पंखे लगे हैं लेकिन कोई काम के नहीं। चल बेटा उठ जा, चलो मिन। बच्चे एकदम परेशान हो गए, पर कुंज तो हमारी मस्ती कर दी है, मस्ती लाल हो गया कुंज तो। सबको बाय करके आ रहा भाई, सबको बाय करके आ रहा भाई, बाय कुंज जय, और बाय करके आ रहा, पक्का रोएगा आज। आने वाला है हमारा, वापसी का नंबर हमारा आने वाला है, और फिर हम यहाँ से लिफ्ट में बैठ के नीचे जाएंगे, उसके बाद गंगा स्नान, फिर देखो आगे क्या क्या होता है। ये है वापसी का रास्ता, इतनी कितनी लाइनों में हम कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया हमें लाइनों में खड़े हुए, और अब आया हमारा वापसी का नंबर। देखते हैं आपको, व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आ रही है ट्रॉलियाँ खाली होके, और यहाँ से चार चार मेंबर करके बिठा रहे हैं।